दोस्तों, जब भी हम लोग कोई फिश नया फिश खरीद के लाते हैं ना किसी भी सेलर से, तो हम लोग के मन में ना हम लोग एक प्लानिंग कर लेते हैं पहले से ना। हम लोग कुछ चीज़ सोच लेते हैं। क्या सोचते हैं कि वो जो नया फिश है उसको जो ला रहे हैं वो टैंक में डालने के साथ साथ ही एकदम फुल्ली एक्टिव रहेगा। हम लोग हाथ को ऐसा हिलाएंगे तो वो उधर चला जाएगा, हाथ को इधर हिलाएंगे तो वो मेरे पास चला आएगा। हम लोग जैसे ही फूड डालेंगे तो वो एकदम मतलब बहुत बढ़िया से खाएगा, लेकिन 70-80% टाइम ऐसा होता नहीं है। और तभी हम लोग पैनिक हो जाते हैं, अरे ये फिश क्यों नहीं खा रहा है, ये फिश टैंक के कोने में क्यों चला जा रहा है, अरे ये फिश नीचे बैठ क्यों जा रहा है, ये फिश मुंह में खाना ले रहा है बाहर कर दे रहा है, अरे ये फिश का कलर जैसा मैं देखा था वैसा नहीं आ रहा है, और भी बहुत सारे सवाल, बहुत सारे टेंशन हम लोग पाल लेते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो इसके ऊपर ही है। ये बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मुझको लगा कि ये टॉपिक के ऊपर एक वीडियो होना ज़रूरी है। सो स्टे ट्यून विद अस दोस्तों, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। और अशोक एक्वा फिश ये चैनल अगर आप लोगों को मदद कर रहा है, आप लोगों को अच्छा लग रहा है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए कि मैं आगे और भी इस तरीके का वीडियो ला सकूँ। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सो दोस्तों, मैंने जैसे बताया कि हम लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, जैसा नया फिश हम लोग लाया और वो थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेव करना शुरू किया तो हमको लगना शुरू हो जाता है हम लोगों को कि शायद उसका तबीयत ख़राब है, शायद सेलर ने कोई प्रॉब्लम था फिश के अंदर वो हम लोगों को बताया नहीं, इसके लिए फिश आके यहाँ अननेचुरल बिहेव कर रहा है। देखिए, एक चीज़ को समझने का पहले कोशिश कीजिए। आप अगर कोई नया जगह पे जा रहे हैं जॉब करने के लिए, घूमने के लिए, कहीं भी, और वो अगर आप अकेले जा रहे हैं तो आप वहाँ जाके जैसा आपके घर में फ्रीली घूमते थे, खाना खाते थे, नेचुरल बिहेव करते थे, वहाँ पे जाके सेम टू सेम इक्वली बिहेव करेंगे या आपका बिहेवियर में थोड़ा चेंजेस आएगा? ज़रूर आएगा। सेम ये साइकोलॉजी फिशेस को भी अप्लाई होता है। जब भी ये नया जगह पे जाता है दोस्तों, तो इनका बिहेवियर में भी चेंज आता है। क्यों चेंज आता है? क्योंकि जो टैंक में डाला जा रहा है उसका पानी का टेम्परेचर, पीएच लेवल, ये सब में प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब प्रॉब्लम मतलब थोड़ा अप डाउन हो सकता है। जो टैंक का जैसा डेकोरेशन में वो था सेलर के पास, आपका टैंक में जाके शायद वो अलग जगह पे जा रहा है तो उसको थोड़ा नया दिख रहा है, अलग दिख रहा है, इसके वजह से वो डर सकता है। इसके बाद क्या होता है, शायद वो जिस टैंक में था वो उस टैंक में कम्युनिटी फिश के साथ था, मतलब बहुत सारा फिश के साथ था, और आप उसको जाके एक अकेला टैंक में डाल रहे हैं, इसलिए भी वो डर सकता है। या फिर वो अकेला किसी टैंक में था और वो आप जाके उसको डायरेक्ट कम्युनिटी में दे रहे हैं तो वहाँ बहुत सारा फिश देख के वो डर सकता है, ये भी हो सकता है। सो हम लोग इस टाइम पे पैनिक नहीं होके जितना पेशेंस रखेंगे और सेलर से थोड़ा कंसल्ट करेंगे उतना ही हम लोगों के लिए अच्छा है। दोस्तों, एक चीज़ आज दिमाग में अच्छा तरीके से बैठा लीजिए, पैनिक होने का या टेंशन पालने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास नया फिश है, आप कहीं से लाए हैं, तो वो अगर दो दिन ठीक से नहीं खाएगा, नेचुरल बिहेव नहीं करेगा तो वो मर नहीं जाएगा, सडनली उसके साथ ऐसा ही कुछ नहीं होगा। देखिए, बैड लक है, लाइफ स्टॉक है, कभी कभी एक्सीडेंटली कुछ कुछ हो जाता है, लेकिन इन जनरल एक आध दिन नहीं खाएगा तो कुछ एबनॉर्मल नहीं होगा। और यहीं पे हम लोग गलती कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जल्दीबाजी में ये दवा ये वो हम लोग पानी में यूज़ करना शुरू कर देते हैं। हम लोग इससे उससे बात करते हैं, अच्छा नहीं खा रहा है पैलेट दे रहे, पैलेट नहीं खा रहा है फिर दूसरा खाना दे रहे, फिर दूसरा नहीं खा रहा है तो तीसरा अप्लाई करें, मतलब हम लोग उसको खाना खिला के ही छोड़ेंगे। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों, हमारे यहाँ से बहुत सारे हॉबीस्ट आते हैं, कस्टमर्स आते हैं, जो लोग कभी डिस्कस, कभी एरोवाना, कभी सिकलेट्स, अलग अलग फिश लेके जाते हैं, तो कभी होता है कि डिस्कस जाके फिल्टर के पीछे चुप जाता है, उसका फिन जो है वो डाउन हो जाता है, सिगलेट प्रॉपर कलर नहीं लेता है, कलर छोड़ देता है, एरोना जाके नीचे बैठ जाता है टैंक का नीचे, या फिर ऊपर कोने में चुप जाता है, जैसा एरोना कंटिन्यू घूमते रहता है वो बिहेव नहीं करता है, तो वो लोग भी बहुत डर जाता है, डर के हम लोगों को फ़ोन करता है कि दादा फिश का तबीयत ठीक है, तो ये वो बहुत सारा क्वेश्चन करते हैं। तो हम लोग हमेशा एक चीज़ बोलते हैं, कीप
पेशेंस, पेशेंस रखिए। जितना आप लोग पेशेंस रखेंगे और हम लोगों से कंसल्ट करेंगे, हम लोग जैसे बोलेंगे वैसे करेंगे, तो आई होप 95% टाइम सब कुछ ठीक हो जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को भी यही बात बोलूँगा, डरना एकदम नहीं है, पैनिक एकदम नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है। अगर आपका फिश सडनली खाना नहीं खा रहा है, बीच में भी कभी कभी ऐसा होता है, या शुरुआत के दिनों में खाना नहीं खा रहा है, नेचुरल बिहेव नहीं कर रहा है, सो उसका जो बिहेवियर है टाइम टू टाइम, वो आप वो सेलर जिससे आप ये फिश खरीदे हैं उससे खाली आप कंसल्ट कीजिए, सो डेफिनेटली ही और शी विल गाइड यू। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये पैनिक वाला वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि आगे से आप लोगों को इतना टेंशन लेने का, इतना पैनिक होने का कोई ज़रूरत नहीं। तो सबाई को भालो थाकबेन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और इस चैनल को अगर अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों का सब्सक्राइब लाइक और शेयर के वजह से मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत एनर्जेटिक होकर और भी वीडियो इस चैनल पर ला पाऊँगा। सो स्टे ट्यून्ड विद अशोक एक्वा फिश, थैंक यू वेरी मच।